जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयिरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सर्वसाहु ओतम सत संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार संगति दुखते काढ़ी मुक्ति करतारी। इस युग को अनादिकाल से दुखी करने वाली चार कसाय हैं। हालांकि चार कसाय कार्य है और मिथ्यात्व कारण है, इसलिए सब पापों का बाप मिथ्यात कहलाता है। मिथ्यात्व है उल्टी मान्यता। क्रोध का कारण फिर से कहता हूं, सारा जगत क्रोध से परेशान है और कितने ही लोग क्रोध छोड़ना भी चाहते। फिर से कहता हूं, सब क्रोध से परेशान है विश्व में, उस क्रोध को छोड़ना भी चाहते लेकिन भी समझते ही नहीं क्रोध कहां से छोड़े। यदि आप रविशंकर और इनका नाम सुनते हो, आर्ट ऑफ लिविंग और ये सब तमाम तमाम बातें करते हैं, तो आपको बड़ी हंसी आएगी, नहीं भी आएगी क्योंकि आप समझते नहीं, तो आपको भी हंसी नहीं आएगी। आपको तो ऐसा लगे, बताओ कितना बढ़िया लेक्चर दिया उन्होंने, क्रोध आए तो मुंह में पानी भर लो, ठंडा पानी पी लें, मुंह में एक पत्थर की गोली रख लो, जब तक वो गल नहीं जाए तब तक मुंह बंद रखो। ऐसे हास्यास्पद उपाय बताते हैं। सुनो, क्रोध को जीतने के लिए बाहर से कोई उपाय संभव नहीं है। तो प्रतिज्ञा ले लो भगवान के सामने, आज से क्रोध नहीं करेंगे तो भी संभव नहीं। तुम कह लो आज हम बोलेंगे नहीं। आपको पता है क्रोध को जीतने के लिए कितने ही लोग, ठीक है भैया हमारे से बोलेंगे नहीं, चूल्हे में जाओ, हम कहा करें, मरो चाहे जियो, लोग उनका होते बोलना कोई क्रोध थोड़ी है। हमारे पंडित साहब इसके लिए ऐसी भाषा कहते हैं, पत्ते तोड़ने से वृक्ष नहीं टूट जाएगा, एक पत्ता तोड़ोगे नया पैदा हो जाएगा। क्या करें बता, ये जैन शासन के सिवा कोई नहीं बताएगा। पढ़ लेना आप, जितना लिटरेचर पढ़ना है पढ़ लेना, ये जैन शासन के सिवा कोई नहीं बताएगा कि क्रोध का मूल कारण मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व समझ में नहीं आया होगा आपको, क्रोध का मूल कारण मिथ्यात्व क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, परम सुख बुद्धि ये क्रोध का कारण है। जैसे तुम्हें पैसे में सुख लगता है तो जो जो पैसा चाहते होंगे ना उनसे तुम्हें क्रोध होगा, द्वेष होगा, भाई भाई में लड़ाई मुलझड़ है क्या, सब जाना थे जागी नजर प्रॉपर्टी पे हो क्या, एक भाई बिजनेस कर रहा हो कैश हैंडल कर रहा हो तो दूसरा भाई को कोई तकलीफ नहीं है, जॉइंट फैमिली है, लेकिन पति पत्नी दोनों जने पता है भैया कैसे ट्रांजेक्शन क्या कर रहे, अपने हाथ में काय रखे, जिसके हाथ में पैसा बाकी हाथ में सब कुछ, तुम दबके मत रहो, तुम भी पैसा लो, तुम भी अपने नाम खाते कर लो, फला कर लो, तो तुम भी तो वसूली कर जाऊ करो, अपने कहा पता थोड़ा बहुत दवा जाए, कहा पता अलग खाते खोल रही हूँ, LIC कर रही हो, कल्ला हुए जी भी बेपिजूल ही दुखी। बताओ क्रोध कौन पैदा करा रहा है, पैसे में सुख बुद्धि। सुनो मुनिराजों को, ध्यान से सुनना, मुनिराजों को दुष्टों पर भी, दुष्ट माने तुम्हारी गंदी भाषा, हमारे यहाँ की अच्छी भाषा तो यह उपसर्ग करता, हमारे यहाँ की अच्छी भाषा तो है कर्म के उदय के निमित्त मात्र। क्या कहा हमने, कर्म के उदय के निमित्त मात्र, हम दुष्ट नहीं कहते, लेकिन आप दुष्ट जल्दी समझ जाते हैं इसलिए समझा रहे। ओहो उपसर्गकर्ता के प्रति भी क्रोध क्यों नहीं आया, खोज के तो देखो वो पॉइंट, क्योंकि उन्हें इस देह में ही प्रीति नहीं है। क्या कहा, उन्हें इस देह में ही सुख बुद्धि नहीं है। तुम क्या करोगे, क्या करोगे ये तो बताओ, इसमें हमें सुख बुद्धि नहीं है, क्यों कोई तुम्हारी फटी पुरानी टी शर्ट उठा ले जाए तुम्हें कितनी गुस्सा आएगी।
तुम्हें घर में कोई पांव पहुंचे पहुंचा हो गलो गला सड़क मात रखो वो भी उठा ले जाए चोरी से तो हंसोगे रात के चोर आओ और हीरे मानी मोती तो लेने ही गया पांव पहुंचा लेगा हंसोगे ऐसे दिगंबर महिलाज ओहो मेरे शुद्ध चेतन की तो आप चोरी कर ही नहीं पाए मेरे अनंत गुणों में तो कोई ह्रास कर नहीं पाया मेरा तो कुछ छू भी नहीं पाया मेरा चेतन व्यवहार हमारे वो तो कुछ करे ए शरीर लेगा जो तो वैसे ही फटो टूटो था जावी वालो तो ध्यान से सुनना उसने हमारे प्राण हरे ये नहीं कह रहे वो आयु कर्म से तो प्राण गए ही आयु पूरी हो गई तो देह छूट नहीं थी बस इस देह को ले लिया पहुंचा लेगा समाधि काय के बल पर होती होगी समाधि सोचो मुझे तो ये कहना था कि क्रोध का मूल कारण मिथ्या है जिन्हें भी पैसे में सुख बुद्धि होगी उनके अनंत शत्रु हैं एक नहीं कितने शत्रु हैं सुनो अनंत शत्रु को जीतने का एक उपाय है पैसा में सुख बुद्धि छोड़ दो पैसा कहाँ तो सब लगा ली ना सोना चांदी दो बहुओं के बीच में एक बहू एक दस तोला को हार ले आई अब दूसरी बहू झुरझुर के मर गई काय 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 मर गई रोटी नहीं खा रही क्या आज हम भी पैसा वाले होते आज हम कभी पैसा हो तो जी अच्छे कमाते रोत रहो बैठे बैठे जी नहीं मालूम कि दस तोले का हार वो भी नहीं पहन रहे अच्छा ना हमारा गणित तो अलग ही है हमने सुना रखा है आपको याद हो तो नहीं हो तो फिर सुन लियो सुनो एक घर में दस बहुएं हों और एक किलो रकम हो रकम तो समझ गए नहीं दस किलो रकम है हैं ये कौन सा गणित कॉमर्स में तुझे गणित आया ही नहीं क्यों पढ़ा तूने ऐसा गणित पढ़ा क्यों ने घर में एक किलो सोना और दस बहुएं और वो दस किलो सोना बन गया क्यों समझ में गणित नहीं समझ सुनो अपना तो प्रेम से छोटी बहू घर गई एक किलो पहन गई सारे मोहल्ला में सारे पियर में बच गई इतने गहने एक किलो अब आई जी जी संभाल लो हम पहन लिए हमने अब आप रख लो संभाल कर उनने रख ली और कोई जो गए दस ही जने गए दस ही दस किलो हो एक करोड़ रुपया हो एक करोड़ दस भैया हो दस दस लाख के पति कहलाए यदि बंटवारा करते तो लखपति कहलाए लखपति कहलाए लखपति समझ गए और दस हो भाई यदि प्रेम से रह रहे हो तो दस करोड़ की संपत्ति कहलाए दस जने करोड़पति कहलाए ये दृष्टांत दिया हमें तो ये कहना है थोड़ी सी सोच सही हो मेरे से पूछा तो मेरे जैसा धनी तो कोई होगा ही नहीं तुम्हारी तुम समझो हमारी तो हम कह रहे हैं तुम्हारी तुम बहुत सोचो हम की अपनी कह रहे हैं ना हमसे बड़ा कोई धनी नहीं होगा क्यों नहीं होगा धनी केवल प्रेम के बल पर पूरा विश्व हमें चाहता है यहाँ चले गए भाई घर यहाँ चले गए भाई बहुएं यहाँ चले गए भाई प्रेम से भोजन कराने वाले यहाँ चले गए भाई BMW से लेकर नीचे तक तुम्हारी मर्सिडीज जो कच्ची हो तो बोलो हमें कच्ची नहीं करने पड़ा हमें तो टेंशन तक नहीं करने पड़ी एक बार हम कोटा से आ रहे थे तो रेलवे स्टेशन छोड़ने आ रहे गाड़ी में पंडित ज्ञानचंद जी नाम आता था पंडित साहब का नाम याद आता है ज्ञानचंद जी हमने आर के जैन के भैया उनकी गाड़ी में बैठ के आ रहे थे और तेजी से मेन रोड पे ले आए ठुक गई गाड़ी ठुक गई समझ गए टकरा गई गाड़ी जीप टकरा गई मेन रोड पे ला एकदम सो बोलो भैया यदि उस दिन हमारी गाड़ी होती तो हमारा टिकट कैंसिल ही हो तो और कहा होता अपनी गाड़ी नहीं थी उतरे झट दूसरे पंडित जी इसमें बैठो ट्रेन का टाइम हो रहा दूसरी गाड़ी पीछे खड़ी बैठ वहां बैठे हुए स्टेशन आ गए उनने तो बाद में बहुत कुछ किया होगा फिर जो कुछ हुआ होगा कानूनी कार्रवाई और आए समझ में आया इतना निराकुल कैसे हुए बोले फिर कह रहे सच्ची समझ से बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है धन कमाने का पुरुषार्थ तो मूर्ख करती जल्दी क्या कहना तो फिर से सोच सुन ले क्या कही धन कमाएंगे धन पे कब्जा करेंगे धन हमारा धन तुम काहे को पागल बन रहे चिंटी समझदार है पैसा नहीं कमाती 84 लाख योनियों में एक आदमी को छोड़ दो सब समझदार है कोई नहीं कमाती
और कोई परिग्रह नहीं जोड़ता, और फिर भी भूखे नहीं मरते। आदिवासी समझदार लोग कह रहे आपकी बहुत दुख मिट गई, बहुत दुख, ये कह रहे बहुत दुख मिट गए आज की भाषा में, उसे असुचिता मिट गई। असुचिता समझते हो, अपवित्रता समझते हो? जब भी कोई तुम्हारी चर्चा करे और चेहरा बिगाड़ के करे, मैंने तुम अपवित्र हो। ये भाई जब तो पैसा के पीछे मरेगा, ये शकल कैसी लग रही, कैसी लग रही ये शकल? ये भाई क्या भी तो चो सोना चाप के बैठे, जब तो खावे को यहां से लोभ है। भाषा क्या कह रही है? लोग का शासन में आई कुछ, लेकिन मुझे इस तरफ नहीं जाना है। मुझे तो केवल जल्दी से ही बताना था कि लोग क्रोध जीतना चाहते हैं, लेकिन जब तक परम सुख बुद्धि नहीं जीतते। अभी कोई समझ में नहीं आई ये बात। क्रोध जीतने के नाना उपाय मिल जाएंगे आपको, पढ़ लेना किताबों में, कोई नहीं कहेगा तुम्हें तो परम जब तक सुख बुद्धि है। सुनो, थोड़ा एक कदम और आगे चल रही, परम सुख बुद्धि है, परम सुख बुद्धि नहीं करना ये भी कहने वाले मिल सकते हैं। दिगंबर जैन शासन में, शासन तो नहीं कहना चाहिए मुझे, दिगंबर जैन समाज कह देना चाहिए। शासन बहुत बड़ी चीज होती है, समाज बहुत छोटी चीज होती है। हो सकता है जैन समाज में ऐसा भी कहने वाले मिल जाए, तुम काहू पैसा के लाने मरे जा रहे, छोड़ो तो सही, ऐसे भी कहने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जैन शासन का उपदेश सुनो ध्यान से, अपना सुख अपने अंदर जब तक नहीं भाषित होता क्रोध नहीं रुकेगा। अपना सुख जब तक अपने में भाषित नहीं होगा तब तक मान नहीं रुकेगा। जब तक अपना सुख अपने में भाषित नहीं होगा मायाचारी नहीं मिटेगी। पैसा में सुख मानने वाला मायाचारी करेगा करेगा। कोई माई का लाल एक काम करो, मिथ्या छोड़े बिना कोई मायाचारी छोड़ के बता दे। पैसा में सुख बुद्धि और मायाचारी और लोभ छोड़ के बता दे। एक ही उपाय, अपना सुख अपने में स्वीकार हो जाए, चारों कसा जीत जाओगे। अब चारों कसा का एंड करना नहीं आज, इसलिए हम चारों को एक साथ ले लिया। चर्चा तो बहुत बड़ी आ रही दिमाग में, लेकिन वो नहीं लूंगा मैं अभी। मैं जानता हूं जो समाज बैठी होगी, हालांकि 10 दिन शाम को चली रहा है वो विषय, और चलेगा विस्तार से शाम को, आप जरूर सुनना। लेकिन अभी भी संक्षेप में थोड़ा सा कुछ कहेंगे हम। सबसे पहले आचार्य देव ने एक बात कही चार कसाई के बारे में, समझाने के लिए एक बात कही, क्रोध अंधा होता है। अर्थात क्रोध करने वाले को आत्मा की बात दिखाई नहीं देती, आत्मा दिखाई नहीं देती। मैं इधर से कह रहा हूं, बाहर से आप समझ लेना, वो माँ को माँ नहीं देख पाता। क्रोध में अंधा आदमी अपनी माँ को मार डालता है। देखो आप पढ़ लेना अखबार, माँ अपने बेटे को मार डालती है। देख लेना क्रोध में अंधी होकर क्या नहीं करती, बोलो। क्रोध कैसा होता है? अंधा होता है। हम कह रहे सुनो, क्रोध में अंधा आदमी आत्मा को कैसे देखेगा? जो माता पिता को माता पिता ना दे सके, संतान को संतान नहीं दे सके, दे सास गुरु को। जब गुस्सा आती है ना, गुस्सा चूल्हे में गया, कौन कौन गए पे मैं नहीं बोल रहा। धर्म की बात धर्म में रखो, मंदिर की बात, हाँ बोलो क्या कह रहे, बोलो। मंदिर की बात चूल्हे में गई, भाड़ में गई, कौन जो जो तुम समझ रहे हो। नहीं आप अगर गुस्सा कोई कर रहा हो उसे कहा तुमने क्यों, महावीर भगवान ने क्या कहा तुम्हें खबर? वो जो कुछ बोलेगा वो समझ ले भाई, हमें मत समझा। क्या क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, मान बहरा होता है। मान कसाई वाले को लोग क्या समझा रहे हैं सुनाई नहीं पड़ता। काहे को मान कर रहे हो, सुनाई नहीं पड़ता उसे, वो तो अपने आप में खुश, जिसको कहते हैं अपने आप में खुश। एक और बात बोलूं आपको, बहुत कठिन ही है बात। मान कसाई को भगवान की वाणी सुनाई नहीं पड़ती। कह रहे तुम्हारे अंदर सो गए तो काहू बाहर चक्कर खा रहे। नहीं नहीं आप क्या जानो मैंने 25 साल में कितना पैसा कमाया, फिर हमने ऐसे व्यापार करा, फिर ऐसे किया, फिर हमने ऐसे किया, आप क्या जानो आज बहुत मजे में रह रहे हैं। और तुम फालतू बातें कर रहे हो, त्याग करो। त्याग में सो गए, अब देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। मानी को बहरा होता है, उसे त्याग का सुख सुनाई नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आती उसे बात। खाओ पियो मजा करो, तुम लोग तो पीछे पड़ गए हम लोगों के, थोड़े में समझ लेना। माया गूंगी होती है, जिसके चित्त में मायाचारी होगी वो बोलेगा ही नहीं। जिसको कहते हैं मन की मन में ही रखे रहे हो, बोलो बेटा सुख कहाँ है?
बात तो सही है। अरे बोलो तो कहें, बोलेंगे ही नहीं, क्यों तुम क्या कर रहे हो? मैं एक बहुत सरल भाषा में पूछूं, बताओ आप जो व्यापार कर रहे हो सुख का उपाय कर रहे हो कि दुख का? सही बताओ ईमानदारी से, हार्ट पे हाथ धर गए तो बोलेगा नहीं? बोलेगा ही नहीं, क्यों तुम नरक जाना है? अब बोलेगा नहीं क्यों? उसे समझ में तो आ रही नरक जाना पड़ेगा, तेज गति में जाना पड़ेगा, बोलेगा नहीं, बोलेगा ही नहीं। मायाचारी व्यक्ति गुमताड़े में लगा रहता है, गुमताड़े समझते होंगे, नदी में लगा रहता है, चुपचाप देखता रहेगा, बोलेगा कुछ? सुना ये आत्मा की बात उस मायाचारी को समझ में भी नहीं आती। ध्यान से सुनना आपको, मैं कुछ कह रहा हूँ सभी लोगों से ध्यान से सुनना बेटे, मायाचारी का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ। आपके हमारे मुख से क्यों नहीं निकलता? सुख तो आत्मा में, घर में, गृहस्थी में, हम ही सब सोचो, हम ही सब, हम करोड़ों बार ये समझा सकते हैं, बेटा पैसा कमाओ सुख होगा, बेटा सीए बन गए, इंजीनियर बन गए, अरे भाई क्या, अरे भाई क्या, तुम्हारे मुंह से ऐसा उल्लास कैसे निकल जाता है? तुम्हें एक बार भी बात समझ में नहीं आती, इसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं, ये दुख के समुद्र में जा रहा है, दुख के दावानल में। सही बताना, इंजीनियर को देखे कौन सोचता है दुख के दावानल में जा रहा है? बताओ सीए को, करोड़पति को, अरबपति को, खरबपति को देखे कौन कहता है तुम अपना समय कहाँ खराब कर रहे हो? हमारे पंडित साहब जब मैं नौकरी छोड़कर के उनके पास पहुंचा, आशीर्वाद लिया, चरण स्पर्श किए, मैंने बड़े उल्लास से कहा जैसे मैं बहुत बड़ा काम करके आया था, बड़े उल्लास से कहा आज हम निवृत्ति लेके आ गए, 1,00,000 जोड़ लिए, अब हमने नौकरी छोड़ दी। पंडित साहब के चेहरे पर इतना सा भी आनंद नहीं, आनंद नहीं मतलब चेहरे पर, उन्होंने एक बात कही, तुम्हें लग रहा है तुमने 10 साल में 1,00,000 जोड़ लिए, हमें ये लग रहा है तुमने 1,00,000 के चक्कर में 10 साल खो दिए। ये बात कौन कहेगा बताओ? हमारे मुंह से क्यों नहीं निकलती? बेटा इनमें सुख नहीं है, काहे भूलेंगे बेटा? ठीक है कमा रहे हो, ठीक है हमें पता है बेटा राग आता है, हमें मालूम बेटा द्वेष आता है, कसाय आती है, झगड़ लो बेटा, नहीं बेटी सुख तो कहीं और है। नहीं क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हम खुद मायाचार में डूब, मैं बहुत खड़क भाषा में बोलूं, हम जैसे लोगों के मुख से भी ये बात घर में क्यों नहीं निकल पाती? क्यों अंदर में यही लग रहा है सुख तो भाई है, हमारा एक लड़का ऐसे कमा रहा है, हमारा एक ऐसा कर रहा है, एक ऐसा कर रहा है, हमारे निकलते क्यों नहीं? बोलो, मैं ब्रह्मचारियों से कहता हूं तुम अपने भाई को ब्रह्मचारी प्रेरणा क्यों नहीं करते? अकेले जाओ तो करके आना, करो अपना तो काम करना है, हमने तो अपने भाई बहनों सबको कहा था ब्रह्मचर्य ले ले पूरी व्यवस्था हमारी, हमारी मम्मी ने किया, जिसको जाना हो ब्रह्मचर्य के मार्ग में चले जाओ, पिताजी तो बहुत नाराज होते थे, होंगे भी सही, हाँ तुमने सिर पर चढ़ा रखा है, तुम बिगाड़ रखा है, सब ब्रह्मचारी बनाए थे लेकिन मम्मी के नहीं, हमें मालूम है दुख है, निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं, जाओ तो तुम्हारी मर्जी, हमने शादी के कार्ड में छपाया था, बहन की शादी के कार्ड में छपाया था, ये महाव्रत धारण नहीं कर सके इसलिए मजबूरी में गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे और गृहस्थाश्रम में रहने के लिए प्रवेश नहीं कर रही, गृहस्थाश्रम में रह करके आत्मोन्नति करें, कभी आर्य का पद धारण करें, महाव्रत धारण करें, इस भावना से पाणि ग्रहण संस्कार हो रहा है, उसकी साक्षी में आप सब पद आए, ये चिट्ठी पड़ी नहीं होगी आप लोगों को, याद भी नहीं होगी। पिताजी हमारे ग्रैंड फादर का बहुत सारा शोक वो क्या छपता ना गुजर जाने पर, उसमें यही लिखा था अनादिकाल से जीव दुख के प्रवाह में जन्म मरण करता चला आ रहा है, उसी क्रम उसी श्रृंखला में इस देह से देहांतर को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए हम अपने परिणामों की शांति के लिए विधान कर रहे। मैंने निकलती क्यों प्रश्न समय हम क्यों नहीं कह पाए? एक ब्रह्मचारी अपने भाई को क्यों नहीं कह पाता? और जैसे एक बार बता, बंबई में जितने लोग भी परिधान गए वे अकेले गए बंबई और फिर वो जम गए, अरे बढ़िया बिजनेस है, अरे जल्दी है छोड़ो वहां इधर आ जा, अब देख लेना बंबई जाकर, गुजरात खाली इसलिए हो गया कि बंबई संपन्न हो गया, और इधर के भी जितने गए भी बुला ले, आ जा भैया इधर बढ़िया जम जाए, बहुत अच्छा काम है, आई बात समझ आ रही? हम एक बात कह रहे, फिर ब्रह्मचारी त्यागी व्रति मुनिराज, मुनिराज की तरफ हम नहीं जाते, अपन अपनी तरफ ही रखो, क्यों नहीं कहते इस मार्ग में आओ? अवश्य कहेंगे दिगंबर मुनि भगवंत यही कहेंगे, मार्ग यही है सुख का मार्ग, यही थोड़ी देर पीछे बात।
थोड़ा सा एक इंच, थोड़ा 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 ठीक है, थोड़े से और जाओ, बस थोड़ा सा और सर, बस ठीक। आई बात समझ आ रही, काय का अर्थ कर रहा हूं, मायाचारी गूंगी होती है। और थोड़े खराब शब्दों में बोलूं, शास्त्र में पढ़ते समय तो हम एक ही थे, संसार में सुख नहीं है, तो ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रख के देखो। हमें घर में यही लगता है, ए भैया, बोलूं थोड़ी खराब भाषा में बोलूं, खराब भाषा मैं नहीं बोलता, मैंने सुनी है इसलिए बोलता हूं। दिगंबर मुनि भगवंतों के कभी तो 5 दिन का अंतराय हो जाए, कोई उपसर्ग हो जाए, कोई परिचय हो जाए, कोई रोगाधिक हो जाए, 2-5 दिन अंतराय हो जाए, समाज की अज्ञानी महिलाएं और पुरुष ये बिचारे महाराज बिचारे हैं कि तुम बिचारे हो, उनके तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, वे तो क्षण भर में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाएंगे, उनकी तो निर्जरा हो रही, तुम गद्दा पे से मोक्ष चले जाओ, तुम एसी में से मोक्ष चले जाओ, बता वे बिचारे हैं कि अपन बिचारे हैं, नहीं यहां से निकलता ये बिचारे, बिचारे कैसे निकल गया, अनंत पाप है मुनि भगवंतों को ब्रह्मचारियों को बेचारा समझना, ये वो निकलती क्यों है, वो मायाचारी समझ गए, जिनवाणी लेकर बैठेंगे तो हम भी वही कहेंगे, आप भी वही कह दोगे, लेकिन लेकिन यदि सही में सुख का मार्ग दिखाई देगा तो आप यही कहोगे जाओ इस मार्ग में, अमृतचंद स्वामी की भाषा बोलो, सुख चाहते हो दीक्षा ले ले हो, हम खड़े हैं मोक्ष के अधिकारी, हम खड़े हैं आ जाओ, धर्मज बहुत सुख इस मार्ग में, अत्यंत आनंद है, हम विधि बताएंगे तुम्हें, अभी विधि नहीं मालूम है आपको, विधि बताएंगे, किस लॉज में तकलीफ नहीं होगी, गारंटी यदि तकलीफ हो जाए तो फिर वो मच्छर काटेंगे, फिर कि तुम सुकुमार हो बेटा, तुम्हें अभी मालूम नहीं, वो विधि एक विधि है हो जो सीखो पूछो, जैसे तुम कोचिंग लेते ना सीए की, इंजीनियरिंग की, IIT की, ऐसे मोक्ष मार्ग की भी कोचिंग होती है विधि है, नहीं हो तो कह देना तुम, लेकिन मैं थोड़ा आखिरी कौन सा आज लोभ का सर, लोभी नक्टा होता है, नक्टा समझते हो उसे इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, लोभी नक्टा समझ, नक्टा मतलब भैया बहुत नक्टा आदमी है भैया, बताओ ये तो बेशरम है, नक्टा आदमी एक ही दृष्टांत देते वो जरा सरल पड़ जाएगा, मैं तो आत्मा में घटाना चाहता हूं बाद में उसे, जब युवा लड़के होते हैं ना कॉलेज के, एक युवा 20-25-30 साल वाले, ये शादी विवाह में जाएंगे, बारात में जाएंगे, और एक प्लेट खाएं तो इनकी इज्जत ही खराब हो जाती है, 4-5 प्लेट खाने की जुगाड़ लगाओ, ये कैसा लगता है था? एक इधर बैठ के ले ली, एक उधर बैठ के ली, फिर तीसरी, अरे इन्हें तो ना भैया, तो बोल के हमें नहीं चाहिए, रात के नहीं खा, तो मत खाइए हम खा लें, ये कौन के एक्शन है ये सारे, उसको ये नहीं लगता ये क्या सोचेंगे, कोई को तो पता लग रही, दोस्तों में हंसते 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 अरे अरे, और फिर बड़े गर्व से कहते हैं मैं इतना चतुर हूं, 5 प्लेट आइसक्रीम खाई या तो जो भी बना हुआ जो मिठाई खाई, हालांकि अंदर में शर्माते हैं, सही बताना, जो लोग ऐसा करते हैं पहली प्लेट जितने मर्दानगी के साथ लेते हैं, दूसरी प्लेट लेने में हाथ कांपता है, थोड़ी नजर नीची होती है, और तीसरी में तो है क्या कर रहे, और चौथी बार में, और 5 सही बता ना परिणाम कैसे होते हैं, फिर उसी के दोस्त मजाक उड़ा रहे, अरे यार ये तो पक्का भीम है यार, ये तो खुआ है यार, अब समझ लो उसी के मित्र के यहां सगाई शादी हो, वो आए ये भाई थोड़ी नजर रखने यार इसको, हमें मालूम है केवल जुगाड़ लगाएगा, इतना सुन करके भी हंस देगा, अरे यार तुम तो मजाक करते हो यार, मतलब बिल्कुल कटाक्ष कर दो कह दो, तो अभी ऐसा है दबाए, अचल जी का नाम लेता हूं, अचल जी एक बात कहते हैं नक्टा के लिए, 100-100 जूता खाए तमाशा घुस कर दे गए, मैंने इसको इंसल्टिंग नहीं लगती, मैं क्या कहूंगा आपको, आप भाई समझ जाओ व्यापार करने में कितनी परेशानी उठा करके भी हम वहीं घुसते, कुशील के मामले में मोबाइल हो चाहे कुशील की हरकतें हो चाहे गंदी फिल्में हो, यार बुरा देख कर वहीं पर घुस जाते,
कोई समझाए, कोई रोके, कोई टोके, कानून कह रहे हैं कानून, फांसी की सजा होगी, फला होगा, तो भी होश नहीं बेचारे ज्यादा, तो सभी तो कर रहे, नकटा आदमी क्या बोले, कौन हम अकेले कर रहे, सभी तो कर रहे, बहुत बढ़ के। अब मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, पढ़ लेना ग्रंथों में, मुझे तो मूल मूल बताना है। ओहो, ऐसे ही पांच इंद्रियों के विषयों में ये अनाधिकार की सुबुद्धि बार बार इंसल्ट उठाने पर भी, बदनाम होने पर भी, परेशान होने पर भी, हम क्या कहें आपको, रोग आदि हो जाने पर भी वहीं दौड़ दिया है। बहुत सरल भाषा में कहूं थोड़ी सी बात, आदमी को इतना अच्छा शरीर मिला है, जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, इतना बढ़िया शरीर है, लेकिन हुआ क्या, डायबिटीज होने पर भी, अब चलो खा रहे इतने ना, वही एक महीना से नहीं खा, दे दे तो पत्नी डांटे थे मरने का खाओ तो, अब हाथ तो नहीं दिखा सका, मतलब मुझे थी घटना कब पता लगी, जब हमारे बॉस थे ना कॉलेज में, डीन थे, उनको डायबिटीज थी, उनकी पार्टी हुई जैसे प्रोफेसर पहुंचे, तो पत्नी ने जैसे अपन बच्चों को समझाते ना सबके सामने, ऐसे उन्होंने अकेले उन्होंने आधा घंटा का ब्रेन वॉश किया, देखो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तो मिठाई की तरफ देखी होगी मत, देखना भी मत, इतना आधा घंटा समझाया, क्योंकि उन्हें डायबिटीज थी। अब सब प्रोफेसर आ गए, सब बैठ गए खा रहे, अब वो किचन की तरफ गई, जैसे उनका जाना हुआ उन्होंने जल्दी से रसगुल्ला उठाया और मुंह में रखने लगे, और उसने क्या स्टाइल करी थी, वहां कांच लगा रहता था किचन में, तो वहां उसने देखा एकदम मोड़ी और एकदम दनक के आई, दनक के आए हमारे सामने यार चिल्ला तो नहीं सकती सबके सामने, तो क्या नहीं 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 मैं तो केवल खा नहीं रहा था, टैश लेके थूक रहा था। अब आप समझ सकते हो, उस दिन मुझे पता लगा बेचारा इतनी इंसल्ट उठा के भी ऐसा लगता है खा लें, क्या सही तो खा लें, डॉक्टर कितना भी कहते व्यायाम प्रणाम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, ध्यान रखना परिश्रम के बिना आप बीमार होते हो, एक लाइन की कहानी है बस, और बड़े दुख के साथ कह रहे जितने पढ़े लिखे लोग हैं कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, एसी में बैठ के नौकरी मिल जाए बस, भले पूरे बाल उड़ जाए, भले दो रोटी ना पचा पाए, सही ऐसा हो रहा है बिल्कुल, एसी में बिठा दो नौकरी करा दो स्वर्ग का सब, अब खाना तो छोड़ नहीं सकते तो खाते जाते हैं, बीमार तो होना ही है, गारंटी से लिख लो, इतनी सी बात कह रहे हैं, परिश्रम करने में शर्म लगती है, कौन का वर्णन चल रहा है, इतना सब कुछ जानने पर भी वो नकटा पंजे को कहते हैं करेगा वो नहीं होने का, खाएगा वैसे ही, मेहनत नहीं करेंगे, अभी अभी अखबार पढ़ ली ना मैंने, 10 साल से लगातार वो खा रहा था, उसको पूरे शरीर में जहर फैल गया, कान से सुनाई कम पड़ने लगा और आंखों से दिखना बंद हो रहा है, पढ़ लिया, लेकिन अभी भी हमारे ये बच्चे होंगे, हाँ एक आध को होता है, सबको थोड़ा ही होता है, तो हम हमारा उत्तर सुनो, फंसना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, तुम 10 साल खा लेना, तुम भी 10 साल बाद फंसोगे, 20 साल बाद फंसोगे, 25 साल बाद फंसोगे, फंसोगे तो सही, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब अपन सीधे सीधे अपने बढ़िया प्रकरण में आ जाएं थोड़े से, सुनो अब बिल्कुल पॉजिटिव बात करनी है मुझे, आहा, शुद्ध होने पर भी, परिपूर्ण होने पर भी, जो परिपूर्ण होना चाहते हैं ये असुचिता है, क्या बोल दिया हमने, शुद्ध होने पर भी, भगवान बनने की शक्ति वाला होने पर भी, शक्ति वाला कह रहे हो ध्यान रखना, लंबा नहीं बोलना है, तो शॉर्ट में बोलते थे भगवान हो, भगवान हो माने भगवान बनने की शक्ति वाला होने पर भी, ये अपने आप को सुखी करने के उपाय में लगा हुआ है नहीं, ये असुचिता है, समय साजी परमागम में लिखा है रागाधिक असुचि है, क्या कह रहे हैं, रागादि असुचि है, असुचि माने अपवित्र हैं, आप आश्रव असुचि हैं, विपरीत हैं, दुखमय हैं, दुख के कारण हैं, इसे समझाता हूं, मैं जानता हूं समझने लायक बात है थोड़ी सी,
हीरा अपने आप में पूरा है, हीरा अपने आप में न वैल्यू कम हुई न कीमत कम हुई, क्या कहना था, वजन कम हुआ न उसके गुण कम हुए, लेकिन एक आदमी उस हीरे को गटर में गिरा हुआ देख करके हमेशा के लिए त्याग दे, तो मैं पूछता हूं हीरा घृणा करने लायक है या ये आदमी घृणा करने लायक? आप किससे किससे कंप्लेंट करोगे, किसके प्रति कंप्लेंट सोचोगे? सोचो कैसा आदमी है, है कैसा आदमी है जी, क्यों आदमी को क्यों बोल रहे, हीरा गंदा हो गया ना? सुनो, हीरा गटर में पड़े हुए भी हीरा ही है, उस हीरे की स्वच्छता कम नहीं हुई, गंदगी का प्रवेश नहीं हुआ, उस हीरे में किंचित मात्र भी वैल्यू वजन कम नहीं हुआ, गुण कम नहीं हुए। इतनी बात समझ में आ गई? सुनो, गटर में पड़े हुए हीरे को गंदा समझने वाले की बुद्धि से आप तरस खाओगे, बुरा कौन, इधर आओ, हीरे में कभी गड़ा उठा, बोलो क्या कहोगे, बोलो। सुनाओ, ऐसे ही भगवान आत्मा देह में होने पर भी अशुद्ध नहीं हुआ, राग अधिक होने पर भी अशुद्ध नहीं हुआ, कसाय होने पर भी अशुद्ध नहीं हुआ, कर्म राग आदि भी रहते बाहर बाहर पेट पावे कदापि नंद अंतरंग में सदा विकारी आज अद्भुत छवि निज निहारी आज अद्भुत छवि निज निज निज। भगवान में कौन की छवि देख के आए हो आप? क्या क्या ऐसा क्यों कह रहे हो, भगवान में अपनी छवि देखी? सुनो जी, भगवान भी ऐसे ही थे अपन जैसे, ये भगवान है ना चेतनानंद भगवान, यही जन्मे थे, इसके पहले भी जन्मे थे, इसके पहले भी जन्मे थे, वे भी मोही रागी द्वेषी थे, वे भी शादी शुदा थे, वे भी राग द्वेष करते थे, कसाय थी, ये जी भगवान कैसे बन गए? इस दर्शन करने का नाम है ओहो, भगवान में अपनी छवि दिख गई। आप भगवान बन सकते हो तो आज हमको विश्वास आ गया कि जब आप भगवान बन सकते तो भारतीय रेलवे स्टेशन पर हर चाय बेचने वाला बच्चा आज कॉन्फिडेंट है। क्या कहा ना, क्या कहा, भारतीय रेलवे स्टेशन पर हर चाय बेचने वाला बच्चा अपने को मोदी से कम नहीं समझता। अरे वो प्रधानमंत्री बन सकता है, हम क्यों नहीं बन सकते, बोलो, जब ये भगवान बन सकते ना, हम क्यों नहीं बन सकते? सुनना ध्यान से, हीरा कभी गंदा नहीं होता, ऐसे आत्मा गंदी नहीं हुई है, तुम आत्मा की पवित्रता नहीं जानते इसलिए तुम गंदे हो रहे हो। जल्दी बोल के कुछ, क्या बोला हमने, आत्मा कभी अपूर्ण नहीं होता, अधूरा नहीं होता, गंदा नहीं होता, यदि हो जाता तो फिर भगवान नहीं बन पाते, फिर शुरू शुरू के जीव तो भगवान बन जाते, बात वाले तो काहे, बात वाले तो बहुत ही गंदे हो गए। अब स्वाध्याय करो, आपकी ही महिमा लिखी हुई है, आत्मा का एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ, एक एक प्रदेश पर रहने वाले अनंत गुणों में से एक गुण कम नहीं हुआ, कोई शॉर्टेज ही नहीं आई, आई नहीं, हम क्या कर बता, और एक तो बता, जमीन में दबा हुआ हीरा इतने सालों बाद निकलता है, वो शुद्ध कैसे है, वो स्वर्ण पाषाण में छिपा हुआ स्वर्ण इतने वर्षों बाद आज निकाली अपने खदान में से, तो जब से तो पड़ा ही था ना जमीन में, तो वो शुद्ध क्यों है बता, दूध में रहने वाला घी यदि शुद्ध ना हो तो घी निकले कैसे, मूंगफली में पाए जाने वाला तेल यदि ना हो तो निकले कैसे, ऐसे इस देह के अंदर, इस आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं हो तो निकले कैसे। सुनो बस, सबसे बढ़िया सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, आत्मा में वो परमात्मा पना सदा सुरक्षित है, तेरे उहाड़ने की देर है, तेरे पहचानने की देर है, तेरे निकालने की देर है। बता भाई, दूध में से घी बनता है कि निकलता है, बोलो बोलो भाई, दूध में घी बनता है कि निकलता है, तुम्हारी अम्मा घी निकालती है कि बनाती है, बोलो बोलो। अब
ठीक है निकालती हैं, ये भी कह देती हैं और ये भी कह देती बनाती हैं, हाँ अम्मा घी बना दे। लेकिन सही सही बताना, अम्मा घी बनाती है, देख काम करो, गैया के दूध में से एक शेर दूध में से आधा किलो घी निकाल के बता, बना के बता, निकाल के नहीं बना के। तो अम्मा क्या कहेगी पता है, हमका घुस जाए, अब दूध में जित तो हो गया और तो ही तो निकल, हम घुस जाए का क्यों, क्या बात है, अम्मा के हाथ में कौन सा जादू है कि भैंस के दूध में से ज्यादा घी निकालती हो, गाय के दूध में से घी नहीं निकाल पाती या कम निकालती है, क्यों क्या करती है वो, कि भैया वो कुछ नहीं करती, जितना होता है ऐसे यहाँ भगवान है और है। अब इसे मलिन मत करो, काय से मलिन कर रहे हो, स्थूल तो बहुत बोल चुके अभी तक, थोड़ा सूक्ष्म बोले, बोलो सुनोगे, बोलो पंडित जी हमें कच्ची इच्छा नहीं है, बस ये का इच्छा है कि भगवान बन जाए। सुनो, इस इच्छा से तुम अपने भगवान को गंदा कर रहे हो, इस लोभ से, लोभ ये भी लोभ है, हे भगवान हम कच्छु नहीं चाह रहे, सच्ची कह रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित हो जाए, थोड़ी सूक्ष्म बात कह रही, ये स्थूल तो तुम समझते ही हो, जब इतनी आत्मा से परमात्मा बनने की इच्छा को भी जब हम लोभ कह रहे, आश्रम दुकान घनेरा कह रहे, तो बाकी की तो बात ही का है। अब मैं जानता हूँ जो नए लोग होंगे उन्हें तो बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी, कैसी बातें कर रहे पंडित जी, हमने तो खूब सुनी है अपने कानन से, सम्यक दर्शन प्रकट करू, सम्यक दर्शन की वांछा करू, सम्यक दर्शन की भावना करू, सम्यक दर्शन प्रकट करू, सम्यक दर्शन की पूजा करो, लिखा है इसमें सम्यक दर्शन का अर्घ उतारो, हम तो यही सोच रहे थे, अब हम तो मर गए, तो हम तुम्हें समझा रहे। देखो व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाता, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट करो, भगवान बनो, लेकिन इच्छा करने के लिए नहीं, इच्छा मिटाने के लिए कहा जाता है। क्या बोला हमने जरा बोलो, इच्छा करने के लिए नहीं, इच्छा मिटाने के लिए बोला जाता है। जैसे सरल दृष्टांत दे दूं, सरल दृष्टांत, एक लड़की की शादी लड़के से हो गई तो सुहागन हुई कि होना है, बता सुहागन हुई कि होना है, बोलो हुई पक्का। अब बाने सोची हम सुहागन हुए, हमें तो कभी वाह ही नहीं, उत्तो ही वजन बे कपड़ा बे हड्डी पसली वो एक पैस, कभी वाह ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो गई हुए, अपन किताबें नहीं पढ़ी, सब तो कह रहे सुहागन हुए, हमें तो कभी फर्क ही नहीं पड़ा। अब वो बेचारी बड़ी दुखी, अब कौन से पूछे जवाब कि हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, कहीं से कोई अनुभव नहीं लिया, कोचिंग नहीं ली, भाई तब सुहागन नहीं भाई तो ब्याह तो होगा, बहुत पक्की बात है। तो पति देवता आए, क्या बात है दुखी क्यों हो, कोई बात हो मन में तो बोलो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। तो पत्नी बोली हम एक एक बात कह रहे हैं, हमें सुहागन कब बनाओगे, तो बताओ वो मूर्ख उसकी मूर्खता पे हंसेगा कि खुश हो जाए, बोलो नहीं नहीं तो हमें सुहागन मना दी, सच्ची कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हम उतरे गए तो वजन शादी के पहले भी ऐसे की मैसेज थी वैसी, अब कभी बहुत है ही नहीं, क्या क्या करे बताओ, उसे सुहागन बनाने के लिए क्या करे, मैं नहीं लगा ली तो बताने पहले भी लगाई थी, फर्क ही नहीं समझ आ रहा। सुनो भाई एक सच्ची समझ, बस ओनली सच्ची समझ, ध्यान रखना सच्ची समझ, कुछ करना नहीं है, ऐसे ही आत्मा की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है, तुम आत्मा के नाम पर सम्यक दर्शन नया मत करो, जैसे ही तुमने आत्मा को जाना कि मैं आत्मा हूं इसके नाम सम्यक दर्शन है, जैसे उसने जाना कि शादी हुई समझा स्वागत हो गई, अब क्या करना बोलो, और सारा दर्शन दो बताओ, तुम्हारे पास सोना है, अब कौन ये कहेगा हे भगवान जी सोना हो जाए, हे भगवान जी सोना हो जाए, हे भगवान जी सोना हो जाए, कौन कहेगा बोलो, सोने का निर्णय करने के बाद सोना कौन बनाना चाहेगा, सोना कौन करना चाहेगा। अब एक हंसी की बात ध्यान से सुनना, अभी हंसी की बात, पंडित जी हम कछु नहीं चाह रहे, बच्चा चाह रहे जो सोनो है, हम जानत तो है लेकिन मानत नहीं, अब काय की तकलीफ हो रही, बस एक ही भावना है भगवान, ये शीतलनाथ भगवान, वो धन्य दिन कब आएगा जो हम अपने सोना को सोना मानेंगे, बोलो हंसोगे कि दिमाग खराब समझोगे इसका, जब तुम आत्मा हो तो तुम्हें आत्मा होना थोड़ी है, बनना थोड़ी है, सुधरना थोड़ी है, रिपेयरिंग थोड़ी करनी है, हो
अब तुम तो कह रहे बात तो सही हम माने तब तो जी असुचिता है, जी असुचिता है, असुचिता है। पति पत्नी दो ही जने सड़क पे जा रहे थे रात को 11 बजे घर जा रहे थे, इतने में पुलिस वाले ने रोक दिया थाने के सामने, कहे कौन है तुम दो ही जने, बोलो क्या उत्तर देने चाहिए, क्या उत्तर देने चाहिए, दे दें उत्तर हम दे दें। देखो साहब इस महिला के साथ हमारी शादी हुई है, इसके साथ हमारी भावना पड़ी, जाके संग को हम लोग फोटो भी है, और हम जानत भी हमारी पत्नी लेकिन हम मानत नहीं, कहा बोलो ये क्या जवाब दोगे आप पुलिस वाले को, पुलिस वाला क्या कहेगा बोलो, जो कुछ हो सकता है वो आप समझदार हो, आप ही समझ ले। उसने पूछा क्यों, कौन है तुम्हारी, भगवान कसम। बोलो तुम कोई तुमसे ऐसा उत्तर दे तुम क्या समझोगे, तुझे भगवान कसम खाने की क्यों जरूरत पड़ी, यही तेरी पत्नी है तो सीधे बोलना मेरी पत्नी है। नहीं नहीं हम तो आपको विश्वास दिला रहे थे कहीं ऐसा ना हो, आपको विश्वास ना हो, हम भगवान कसम के अपनी सर कसम। अरे तो पत्नी है तो सीधे बोल पत्नी है, कसम वसम की क्या जरूरत, आप सोच रहे आप कन्फर्म, सुनना ध्यान से, आप कन्फर्म भी क्यों कराना चाहते हो मेरी पत्नी, आपका इतना सा इशारा बहुत है मेरी पत्नी, डायलॉग देने की जरूरत क्या है, भावनों की फोटो दिखाने की क्या जरूरत है, और तुम विश्वास नहीं तो लो जो फोन लगा लियो इनके पापा से पूछ लियो, इनके पापा सोई कहती हम रही है जी। अरे तुझे इतना लंबा पॉइंट पकड़ में आ रहा है, हाँ आत्मा परिपूर्ण है तो स्वीकार करो, सोचो भी मत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहो तो समय साजी कलश टीका में लिखी है बात, मैं आत्मा हूं ऐसा चिंतवन करके कोई समझता कि मैं धर्म कर रहा हूं, मनरेजरा शब्द लिखा है मैंने धर्म बोल दिया आपको, कोई समझेगा कि ये धर्म कर रहा है, मेरे संबंध निजरा कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है, आत्मा का चिंतन करना आश्रम बंद ही है, ये भगवान तो हम आत्मा को चिंतन भी नहीं करें, हम तुमसे पूछ रहे तुम अपनी पत्नी के बारे में कैसे बोलते हो, बोलो कैसे सोचते हो, बोलो चलो हम फिर दृष्टान दे, अब पत्नी की तरफ से नहीं दे रहे, पति की तरफ से दे रहे, शादी हुई तो वो बता पति बना कि नहीं बना, जल्दी बोलो, शादी हुआ तो पति बना कि नहीं बना, बन गया, सच्ची बात है कि झूठी बात है, अरे जोर से बोलो, पक्का, तो पानी सोची 25 साल तक कुंवारी रहती और 1 सेकंड में शादी शुदा हो गए, पति बन गए, अब भूल के भी गलती नहीं होना चाहिए, अपन कुंवारा अनुभव ना करें, अब पति हो गए अपन, सो अनुभव करो, सो बैठ गए बेचारा बिस्तर पे जाकर, सो पत्नी आई, हमारी कहानी पत्नी बाद में आई, दृष्टांत है, तो पत्नी ने पूछा क्या कर रहे, ए, तुझे पता है पति बन गया, तो हाँ तो आमासू इसमें नई बात क्या हो गई, ये तुझे खबर नहीं है, तुझे मजा नहीं आएगा पति बन गया तेरा, तू याद रखना मैं पति बन गया, भाई पहली बार बोले तो कोई बात नहीं, एक बात दो बात, सुबह उठते थे बोलो ध्यान रखियो, और फिर मम्मी पापा के पैर छूने पहुंचे सुबह, पापा पति बन गए, जो देखे हमसे यही कह रहे थे हम पति बन गए, हम सही बता ना, इसकी पत्नी खुश होगी कि रोएगी बैठ कर, पॉइंट पकड़ लो पॉइंट, जब तू पति है तो अनुभव कर, सोच भी मत, दृष्टांत काय कर दे रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट ओह माई सेल्फ, अरे सोच के हो ना, बहुत मजा कर, और लोक में आप सब चाहते हो हम चार जितने दृष्टांत दे देंगे, आप में से कौन करोड़पति ऐसा जो सोच सोच के आनंद लेता है, हम करोड़पति हम करोड़पति 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 करोड़पति, ऐसा कौन करता है, मुझे पता है ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, माला फेरो मैं गायक हूं मैं गायक हूं मैं गायक हूं मैं गायक हूं, हाँ भगवान आत्मा हो, ये नाटक क्यों कर रहे हो, यदि हो तो निर्णय करो और अनुभव करो, इसके आगे सोचो अभी मत, सोचना भी पागलपन है, ए सुनना ध्यान से, जब मैं आत्मा हूं ये सोचना भी पागलपन है, तो बाकी को तो रात को ही उड़ा दो तो जीरो, याद है रात की, जब मैं भगवान हूं मैं आत्मा हूं मैं गायक हूं ये सोचने को भी आचार्य देव असुचिता कह रहे हैं, तो उसका तो कहां गई वो बात तुम्हारी, फू फू समझे कहां गई वो, बिल्कुल अनुभूत बात है, और कितने दृष्टांत चाहिए बोलो, उतने दृष्टांत दे रही बोल, क्यों तुम कितने साल के हो गए,
18 21 18 18 के हो तो तुम भूल नहीं जाते, दिन भर याद करो करो 18 के हो, 18 के हो गए, भूल मत जाइए। क्यों तुम्हारा कितना वजन है एक्यूरेट बताना, अभी नहीं मालूम कोई बात नहीं। तुम्हारे होंठों का साइज क्या है, नाक का साइज बता दो, चलो बोलो। अच्छा सर कितने बाल है सर में, ये भी नहीं पता। कान का साइज ये भी नहीं, हड्डी पसली का साइज बजन कुछ नहीं पता। इतना इस बच्चे को इस शरीर के बारे में कुछ पता नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि ये लड़का, इसे पता ही नहीं कि मैं लड़का हूं। बोलो बोलो सुना, एक बात कन्फर्म है, भले ही तुम्हारी डिजाइन को नाप तोल नहीं मालूम, एक एक बाल का हिसाब नहीं मालूम, हड्डी पसली का हिसाब नहीं मालूम, वजन तोल का हिसाब नहीं मालूम, लेकिन इतना पक्का है कि I am। ऐसे भले ही हमें ये नहीं मालूम आत्मा में कितने गुण हैं, कितने प्रदेश हैं, कहाँ हैं वे, कैसी पर्याय होती है, हमें नहीं मालूम। एक बात हमें मालूम है कि मैं हीरे के समान अनादि अनंत शुद्ध हूं, गंदगी के बीच में भी शुद्ध हूं, इसलिए गंदगी की भी चिंता नहीं। पॉइंट पकड़ना, गंदगी की भी चिंता नहीं, उल्टा नहीं समझना, इसलिए गंदगी में गिर पड़े, उल्टा नहीं समझना जी, बड़ी गड़बड़ है। हम कह रहे भगवान आत्मा शुद्ध है तो गटर में गिर जाए, हमारे दृष्टांत को आप उल्टा नहीं करना, हम सीधा कर दे रहे, फिर से सीधा कर दे रहे। कब आइए, कोई अंगूठी पहने करें कि है सोने की अंगूठी, कोई के पास नहीं, सब आकिंचन धर्म की धरी। हाँ कोई बात, अंगूठी सोने की अंगूठी बताओ, गटर में गिर जाए तो अंगूठी का कुछ बिगड़ता है नहीं, पक्का तो जाके डाल के दिखाओ, डालो जाओ काट डाले पंडित जी, अरे कुछ बिगड़ता है क्या उसका वजन का और कीमत का, कि नहीं बिगड़ता नहीं है, लेकिन हम डालें क्यों, लेकिन गिर जाए तो चिंता नहीं करते। ऐसे ही हम रागादिक उत्पन्न नहीं करते, रागादिक को अच्छा नहीं मानते, और रागादिक हो जाए तो रागादिक से डरते भी नहीं है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हम जान बुझ कर पापाचार करेंगे नहीं, और फिर भी ऑटोमेटिक पाप उत्पन्न हो जाए तो हम डरेंगे भी नहीं, इसका नाम है पवित्रता, दृष्टि की शुचिता। मैंने राग अनादि से किया नहीं, करता नहीं, करूंगा नहीं। हीरा गटर में न भूतकाल में गंदा हुआ, न आज गंदा होगा, और न भविष्य में गंदा होगा। बहुत जल्दी बोल दिया मैंने आपको, बहुत बड़ी बड़ी पाठ पढ़ा दी इतनी देर में। इसका नाम है प्रतिक्रमण, और वर्तमान में गंदा नहीं हो रहा आत्मा, इसका नाम आलोचना, और भविष्य में भी गंदा नहीं होगा ये कभी, इसका नाम प्रत्याख्यान है। समय साजी ने इसकी बहुत बड़ी टीका लिखी, जो मैंने आपको एक दृष्टांत में समझाई ये बात। विश्वास करो तुम पवित्र हो, विश्वास करो तुम्हारा स्त्रीलिंग इसी से छेदेगा, इसी मान्यता से छेदेगा। अपन काफी परेशान होते हैं, बोले बेटे तुम आत्मा अनुभव करो, और टेंशन हो जाती है, आत्मा का अनुभव के नाम पे भी टेंशन हो जाती है। नहीं नहीं विचार करो, विचार करो उसमें भी टेंशन हो जाती है। टेंशन नहीं करो, आत्मा है या नहीं निर्णय करो, यदि निर्णय है बात खत्म हो गई। नहीं नहीं साहब लिखा है सोचो, भाई लिखा तो सब तरह से है, तुम कभी और फालतू सोचा तो हम किस जा सोचो, नहीं समझ में आ रही। जब तुम दूसरी चीज चोरी कर वही सोच रहे समझे कि नहीं अपन नहीं चुरा, जा सोचो गली चुरा अपनी नहीं, अपनी नहीं पाप लगे हो नरक जाने पड़ते, ऐसे सोचो। लेकिन सच बताएं आत्मा परिपूर्ण है, ध्यान से सुनना, बस अंतिम अंतिम कह रहा हूं अब, आत्मा ध्यान से सुनना, कौन परिपूर्ण है, कौन एक बार जोर से तो बोलो। अच्छा ऐसे बैठ जाओ सब, अच्छे से बैठ जाओ, एक बार प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारी तारीफ चल रही। एक बार बताओ, जब आत्मा स्वयं परिपूर्ण तत्व है तो इसे किसकी जरूरत पड़ती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसका नाम लोभ कसाय का अंत हो गया, अब कोई लोभ नहीं बचा, कोई लोभ नहीं बचा। हाँ इतनी सी बात है, वो कोई लोग हो तो बताओ, अब हमें विचार करने तक का तो लोग छोड़ा दिया। कल ही बहुत अच्छे प्रश्न पूछा था बच्चे ने कि जब आत्मा परिपूर्ण है तो व्रत करने की क्या जरूरत, इष्टोप देश की तीसरी गाथा में व्रतों की महिमा लिखी है, व्रतों की स्थापना लिखी तीसरी गाथा में, हमने कहा बहुत बढ़िया सही लिखा है। जिस लड़के को CA बनना है वो LLB से विरक्त हो जाता है, वो MBBS से विरक्त हो जाता है, दुकानदारी से विरक्त हो जाता है, क्यों उसे तो CA बनना है ना। बता भाई
मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है और सीए की कोचिंग का स्थान बहुत खराब है, तो कहाँ जाना चाहिए अपने को सीए बनना हो तो? अरे देख के तो आओ नई बिल्डिंग मेडिकल की, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया फर्नीचर और बहुत सुंदर वाले टीचर, अच्छे अच्छे प्रोफेसर आए पढ़ावे। बोलो क्या करोगे? बोलो। और सीए को टीचर सांवलो है, ठेगनो है, सीए को टीचर मैसो है, और वो झुमड़िया में पढ़ा रहा हूँ, सस्ते में पढ़ा रहा हूँ, अच्छे पढ़ा रहा, पढ़ा तो अच्छा है। बोलो भाई क्या करोगे? बोलो बोलो कि पंडित जी तुम चाहे जितनी महिमा करो, हम उसका विकल्प तक नहीं करेंगे। ऐसे ही जिन्हें शुद्धात्मा प्रिय लगी और पांच इंद्रियों के विषयों से मेरा हित नहीं होता, पांच इंद्रियों में मेरा आनंद नहीं है, तो वो पांच इंद्रियों के प्रति विरक्त होगा ही, करना नहीं पड़ेगा। टोटो मजी साहब ने लिखा है जो पांच इंद्रियों के विषयों का विचार कर करके विरक्त होते हैं, वे विरक्त नहीं होते, द्वेष करते हैं। इसके लिए क्या साथ लिखा है? द्वेष गर्भित उदासीनता। क्या लिखा है? इसी मतदारी बोल रही है भैया विरक्त हो जाओ, कहा करे भाव तो हो रहा लेकिन नहीं करने, बहुत गंदे सर, बहुत गंदे, इससे तो द्वेष होगा। आत्मा को सुखमय जानकर, आत्मा को सारभूत जानकर, अब इसमें मेहनत लगी थोड़ी सी, हमने तो कह दिया भैया निर्णय तुम्हें करना है, विचार करो तुम आत्मा हो के नहीं, परमात्मा बन सकते कि नहीं, और नहीं तो फिर बेकार है व्रत उपास करना। और फिर मुनि काय के लिए बने जब भगवान नहीं बन सकते, तो फिर तो पांच इंद्रिय विषय को क्यों छोड़े अपन यदि भगवान नहीं बन सकते? तो न भगवान बनना विश्व का सबसे बड़ा काम, और इसके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते। तो मोबाइल निकालो, यदि पाठ है होगा आज का पाठ मंगतराज जी वाला, अच्छा इसमें ही रखा होगा तो तुम्हारे में तुम निकाल के बता, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छा पाठ है मंगतराज जी, हमने भेजा भी होगा, हमने तो कहां से भेज दिया सब, यही तुम सबके उसमें आया हो, दस लक्षण पर्व पर पढ़ने योग्य पाठ मंगतराज जी की बहुत सुंदर रचना है, वो पढ़ने लायक, मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ निकल जाता है। तो उसमें लिखा है ध्यान से सुनना, जिन्हें पैसे में सुख लगता है फिर माता पिता से विरक्त हो जाती, देश से विरक्त हो जाती, पढ़ने के नाम पे कहाँ चले जाती, कमाने के नाम पे कहाँ चले जाती। जी क्या है? जिसे पैसे में सुख लगता है वो सबसे विरक्त होता है, ऐसे जिसे आत्मा में सुख लगता है उन्हें विरक्त करना नहीं पड़ता, वे ऑटोमेटिक विरक्त करना नहीं पड़ता हो जाते हैं। निकाल लिए पांच लोभ बड़, हाँ मैं सुनाता हूँ ना आपको, उत्तम सोच धर्म, नींद तो नहीं आ रही। हे लोभ बड़ा एक पाप, देत संताप, सहे दुख आप जो मन में धारे, घर बार छोड़ रण भूमि मरे अरुमारे। मेरे छठी कक्षा में था ना, तो मैंने बहुत पुराण पढ़े या मंदिर में से पुराण बहुत पढ़े, और मुझे उसी समय से बैराग आया राजा बनने से, चक्रवर्ती बनने से, इतना बैराग आया उसी समय से कि जिंदगी में नहीं बनना। एक भी राजा महाराजा शांति से घर में नहीं रह पाए, सब रण क्षेत्र में मारे जाते। तो क्या लिखा? घर बार छोड़ रण भूमि मरे अरु मारे। अकबर क्या है कि जो शांति से घर में रह पाया हो, कहा महाराणा प्रताप, वो कोई का भी देख लेने पड़ गए, जंगल में भटकते भटकते मार गए आकर। जा बसे अनारज देश, हमारे हिसाब से तो सच में मां दुर्भाग्य उन जैनियों का, यहाँ देश सास गुरु नहीं हो, यहाँ छने पानी का ठिकाना नहीं हो, यहाँ खान पान का ठिकाना नहीं हो, यहां से देश में जाकर केवल पैसे के लिए देखो रूखी रोटी खाना भला है, अपना देश छोड़ने लायक नहीं है। बड़े भाग्य से देश मिला है, उस देश के भी बुराई करने का टाइम नहीं है हमारे पास, एक भी बच्चा ऐसा भाग्यशाली नहीं है जिसे माँ बाप मिलते हों, इससे ज्यादा दुखदायक क्या हो सकती है बात। अपने भोगों की लिप्सा में बच्चों को बच्चा नहीं गिनते, वहां पच्चीस पच्चीस पचास पचास रुपये हो जाती है तलाक, उन बच्चों पर क्या गुजरती है उनसे पूछो। जा बसे अनारज देश, धरे बहु भेष, धर्म का लेस न मन में लावे, जल डूबे, जल में डूब के मर जाएं, वन में जाके मर जाएं, गिरी गिरी मैंने पर्वत से गिर के मर जाएं, जल डूबे बन गिरी भ्रमते जान गमावे, आशा की गले में फांसी। इसमें तो बहुत प्रयोजन होना चाहिए लेकिन होगा, चिंता नहीं करो,
समय मिलेगा इसके लिए। आशा की गले में फांसी, क्या हुआ भाई बनवासी, बिस रहा कांचुली नासी। पैसे में सुख बुद्धि है, ये अंदर अंदर का जहर है। चाहे तुम दीक्षा ले लो, चाहे कुछ कर लो, लेकिन तुम्हें कर्तव्य में आनंद है, निर्माण में आनंद है, पैसे में आनंद है, तो आचार्य देव कह रहे हैं, बिस रहा कांचुली नासी, मन राग रुभये उदासी। क्या बोल रहे हैं? मन में राग है और ऊपर से उदास। क्या गंग जमुन स्नान, तीर्थ जल पान, मैल की खान। मैल की खान समझ गए? ललितपुर में हीरा लाल जी खजूरिया वाले हैं, अध्यक्ष समाज के, वे प्रवचन कार हैं, विद्वान हैं। तो उनके मैंने 20 साल पहले प्रवचन सुने थे, 20 साल बल्कि 30 साल हुआ है, 30 साल। उन्होंने दृष्टांत दिया, इसी ग्रंथ में लिखा है हालांकि, लेकिन दृष्टांत उनसे समय से उनकी वजह से याद है कि भाई एक आदमी वो वहां गया, वो पर्वत हिमालय पर्वत पर, और वहां लघु शंका लगी, तो लघु शंका करी तो वो बर्फ बन गई, मतलब वो ठंड है ना बहुत, बर्फ बन गई। अब आए प्यास लगी तो उस बर्फ को कैसे शुद्ध करे कि वो पी सके, कैसे शुद्ध करे, कितनी बार धो ले बर्फ, ऐसा दृष्टांत दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं? क्या गंग जमुन स्नान, तीर्थ जल पान, मेल की खान, देह क्यों धोवे, बिन किए तपस्या दोष दूर नहीं होवे। सुना मुनिराज, बिना स्नान के पवित्र हैं, उन्हें स्पर्श करके, उनके चरण स्पर्श करके हम पवित्र हो जाते हैं। पर द्रव्य की ममता त्याग, सहित वैराग सोच में लाग, स्वपर हितकारी, दस लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। एक एक छंद है, बहुत अच्छे अच्छे छंद है, बहुत बढ़िया है। मैंने इसलिए भिजवाया था कि आप चाहते इसके पाठ कर सकते हो, और नहीं हो जिनके पास वो ले ले वे से। चले समय हो गया, तो तब सोच का समझ में आया, आत्मा पवित्र है, ऐसा जानकर तुम्हारे विचार पवित्र हो जाना, इसका नाम उत्तम सोच धर्म है। आत्मा पवित्र है, इसे जानकर, इसमें रम करके हमारी परिणति पवित्र हो जाए, इसका नाम उत्तम सोच धर्म है। जब सुखी हो गए तब क्या चाहिए? सुखी आदमी को कुछ नहीं चाहिए, इसका नाम लोकाशय का। तुम्हें क्या चाहिए? एक मिनट के अंदर बात पूरी कर रहे, ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? सुनो, आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, इस शरीर को रोटी चाहिए, इस शरीर को कपड़ा चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रखना। एक समझ में आया कुछ नहीं? पॉइंट समझ के जाओ, बिल्कुल मजा लेगे, अभी से ही मजा लेगे। नहीं अभी तुम्हें पंडित जी सही कही, लोग का स्वाद बहुत खराब है, हम भैया लोभी है, हम लोभी नहीं समझा रहे तुम्हें, सचमुच तुम्हें लोभ नहीं है। और जब तुम अपने को जानोगे तो लोभ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें लोभ ही उत्पन्न नहीं होगा। तुम शरीर छोड़ियो, रोटी शरीर को चाहिए, कपड़ा शरीर को चाहिए, पैसा शरीर को चाहिए, माने इसके काम पूरे करने के लिए चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा ने रोटी नहीं खाई आज तक, आत्मा ने कपड़ा नहीं पहने आज तक, आत्मा की इज्जत नहीं हुई आज तक, इज्जत का क्या लोभ करेगा वो? नाम बली का लोभ क्या करे? पंडित जी कह रहे हैं आत्मा को तो केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, वो तो ऑटोमेटिक, क्यों दूध में शक्कर डाल दो, फिर तुम्हें क्या करने पड़े? हे भगवान, महावीर भगवान कृपा करो हमारा दूध मीठ हो जाए। अरे दूध में शक्कर डालिए तो अब हो गई। ऐसे जिसने अपने को आत्मा जाना वो अल्पकाल में केवली होगा, इसलिए केवल ज्ञान की भी डिमांड नहीं रही, इसका नाम उत्तम सोच। मिल गया हमारा हीरा, हमें मिल गया, समझ में आ गया, अब हम आत्म को पहचाना, मजा आ गया। हाँ भाई, रोटी कौन खाएगा आज? हम तो नहीं खाएंगे, इसका काम है सोता रहे, हम इसके ज्ञाता रहे। तुम रोटी कब से नहीं खाई? उपासे कब से हो? क्या कह रहे? उपासे कब से हो? लिखा है सब समय सारी परमागम में लिखा है। कौन जाने ज्ञानी खाते हैं कि नहीं खाते, खाते हुए भी नहीं खाते,
लिखा है, देखो भिन्न देखो, आत्मा को परिपूर्ण देखो। आज के दिवस का सार्थकता हो गई, और आज के दिवस के लिए नहीं, अनंत काल के लिए सार्थक हो गए। ए तो देव भिन्न है, इसके काम को अपना काम क्यों माना, इसके काम को अपना काम क्यों माना, मत माना। क्यों तुम झाड़ू लगाते हो कि झाड़ू झाड़ू लगाती है? तुमने तो झाड़ू पकड़ी थी, सफाई कौन ने करी थी? झाड़ू काम को अपना काम क्यों मानते? ऐसे अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा अनुभव कर विचार करना। ओम नमः।